नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस माध्यम पर। और अपने इस लाइव इंटरेक्शन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकेंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। पर अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, कोई सम आप सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर आप अटक गए हैं, या फिर इसकी डिटेल आप लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के जरिए भी अपना फीडबैक हम तक पहुँचा सकते हैं। आर ईमेल एड्रेस इज़ dth.class10@cit.nic.in। तो इन माध्यमों पर आप हमसे जुड़ सकते हैं विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। और हम आप सभी को बता दें कि हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, आपका परिचय करवाते हैं हम उनसे। आप हैं मिस सविता ग्राहक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रेणु जी, धन्यवाद। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि मैम एज कोऑर्डिनेटर आप गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र में है, और आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुँचाएं। और हम फटाफट आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट सेकंड पे बात करने वाले हैं। मैम बिकॉज ये पार्ट सेकंड है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम बहुत ही ब्रीफ में, संक्षेप में आपसे पार्ट फर्स्ट के बारे में जानना चाहेंगे, फिर हम अपना ये आज का सेशन शुरू करना चाहेंगे मैम। जी रेणु जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बोला भी है कि हमारे व्यूअर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन को गो थ्रू हो सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर NCERT ऑफिशियल। और एक बार हम पहले डिस्कस करते हैं बहुत ही क्विकली दैट इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड दैट टी रेशियोज का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग क्या है, ट्राई प्लस गोन यानी कि थ्री एंगल से रिलेटेड जब हम बात करेंगे सो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक। And we also have discussed that sine theta equals to perpendicular divided by hypotenuse. We have discussed that cos theta equals base divided by hypotenuse. And the third thing which we have discussed that is tangent theta equals to perpendicular divided by base. ठीक इसी तरह से हमारे viewers ये जान पाए कि कौन से t ratios ऐसे हैं which are exactly the reciprocals of these three t ratios. That means cot theta, which is the reciprocal of tangent theta and which is equals to the ratio of the base and perpendicular in the given triangle. If in this triangle I am supposing that angle C is theta, that means this side BC will pretend as base and definitely 90 degree ke opposite jo side hai, that is the hypotenuse for our viewers, and the perpendicular is the side AB. So cot theta, that is the ratio of the base with the perpendicular of the same triangle. Similarly, cosecant theta, this is the reciprocal of sine theta, which means hypotenuse divided by perpendicular. And secant theta, that is the reciprocal of cos theta, which is hypotenuse divided by base. So we have discussed this all. We also have solved many questions related to the same. Aur aaj hum isi topic se related फर्दर डिस्कस करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट्स में से विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन वन। डियर व्यूअर्स, यू शुड नो दैट इफ समथिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, that value will always be less than 1 if your numerator is less than the denominator. तो अब बात करते हैं कि tangent A और tangent theta की जो value है वो होती है perpendicular divided by base. We know कि perpendicular और base ये दोनों ही sides of your right angle triangle में ये relation रखती हैं कि इनमें से कोई भी लंबी हो सकती है और किसी की भी side छोटी हो सकती है. But hypotenuse is definitely the longest side in a right angle triangle. Yani tangent theta ki value always less than 1 ho, ye bilkul bhi zaruri nahi hai. This is definitely a false statement. I hope you got the reason. Kyunki perpendicular bhi zyada ho sakta hai aur base bhi zyada ho sakta hai. So Renu ji, let us proceed towards the second part. Sure ma'am. Ji, it is secant A equals 12 divided by 5. Secant A, now they are not talking about the angle theta or angle C, they are talking about angle A.
हमने डिस्कस किया था, अगर एंगल बन रहा है एट पॉइंट ए, देन द साइड अपोजिट टू दिस ए विल बी रिएक्टिंग एज द परपेंडिकुलर. सो बी सी विल बिकम द परपेंडिकुलर नाउ, एंड डेफिनेटली द साइड ए बी, द साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल ए, दैट इज द बेस. सो हमें गिवन है दैट सेकेंड ए इक्वल्स 12/5. क्या ये पॉसिबल है? आपको सिंपली यही चेक करना है कि क्या सेकेंड के लिए न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो सकता है. सो लेट अस ऑब्जर्व, सेकेंड थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट हाइपोटेन्यूज दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. यानी कि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द बेस, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर. Therefore, secant A में numerator can be, even मुझे कहना चाहिए, will be greater than the denominator. So this is a true statement. For any value of angle A, secant A का numerator denominator से ज्यादा होना possible है. Further, it is given that sin A equals 4/3. तो फिर से आपको जो ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर sin A की वैल्यू में न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर गिवन है. अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि साइन ए होता क्या है. लेट अस हाईलाइट इट विद योर हाईलाइटर. साइन ए इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ऑलराइट, सो डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. यानी कि साइन थीटा के केस में हाइपोटेन्यूज जो है वो लेस देन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता. दैट मीन्स दिस 3 इज लेस देन 4. सो बिकॉज ऑफ विच दिस बिकम्स अ फॉल्स statement. So let us proceed ahead. And here is a question again. In the triangle which is given to us named as PQR, aapko angle Q mentioned hai that this is an angle of 90 degree. Angle Q is 90 degree. In addition to that, ye bhi given hai hamare viewers ko that the sum of the two sides, let us observe these two sides, which are these two sides are PR. So here is your PR, hypotenuse, plus QR. The sum of these two is given to be 25 centimeter, and the third side PQ, that is given to be 5 centimeter. Hame determine karna hai the value of sine P, the value of cos P, and the value of tangent P. Dear viewers, aap jante hain ki agar aapke paas separately base, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये तीनों चीजें होंगी तो आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज को फॉर द एंगल पी. सो लेट अस नाउ सी हाउ कैन वी कैलकुलेट दीज लाइन सेगमेंट्स. पी आर एंड क्यू आर, द सम ऑफ बोथ ऑफ दीज इज 25. सो इफ आई एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज एक्स, सो वट विल बी द वैल्यू ऑफ पी आर. ये होगी 25 माइनस एक्स, बिकॉज द सम ऑफ टू ऑफ दीज इज गिवन टू बी 25. राइट, नाउ यू नो इट वेरी वेल दैट देयर इज अ पाइथागोरस थ्योरम, एंड दिस पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज, हम अपने व्यूअर्स को बताने के लिए ये भी जरूर बताएंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज बुद्धायन थ्योरम. पाइथागोरस इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन जिन्होंने इस थ्योरम को दिया, बट उससे पहले ही इंडियन मैथमेटिशियन ऑलरेडी हमें ये फॉर्मूला बता चुके थे. उनका बताने का वे तरीका अलग था. दे हैव यूज्ड फोर ट्रायंगल्स एंड अ स्क्वायर टू प्रूव द सेम. सो बुद्धायन थ्योरम भी हम पाइथागोरस थ्योरम को ही कहते हैं. एंड यू हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ड्यू टू विच 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर equals to base, which is x, x square, plus perpendicular, which is 5 here, 5 square. So, dear viewers, here you will apply the formula for a minus b whole square, which will definitely provide you 625 plus x square minus 50x equals x square plus 25. Now, x square can be cancelled with x square. From this equation, now it becomes very easy to calculate the value of x. और जैसे ही आप x की value calculate कर लेते हैं, यानी आपके पास ये value, this will be perpendicular if the base angle is given to be P. Okay? So, आपके पास ये perpendicular की value यहाँ से निकल जाएगी.
फ्रॉम विच यू विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड दी हाइपोटन्यूज, और जब बेस है परपेंडिकुलर है हाइपोटन्यूज है सो इजिली यू विल बी एबल टू फाइंड साइन कोस एंड टेंजेंट्स वैल्यू फॉर द एंगल पी. I would like my viewers to solve this question further. Sure, ma'am. So, ma'am, here I just wanted to ask you a question. If we wanted to find the ratio, T ratio, का अगर हमें value जानना है different angles में, तो what could be the ways, ma'am? Is it the only ways, or we can have different ways to find out those values? जी रेणु जी, बहुत ही अच्छा question पूछा है आपने. कि डिफरेंट एंगल्स के लिए अभी तक हमारे व्यूअर्स जो पढ़ रहे थे दे वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट एंगल, मींस जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू उनके पास नहीं थी. दे वर डिस्कसिंग अबाउट टेंजेंट पी, टेंजेंट ए, कोस ए, कॉस बी, लाइक दिस. यानी उन्हें ये तो पता था दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दीज टू बेस एंगल्स जो 90 डिग्री को छोड़कर अदर टू एंगल्स हैं वो दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, बट दे वर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दोज टू एंगल्स. सो यू हैव जस्ट आस्क्ड मी कि वेरियस एंगल्स के लिए कैसे वैल्यूज हमारे व्यूअर्स निकाल सकते हैं. तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द 60 रेशियोज फॉर 0 डिग्री, फॉर 30 डिग्री, फॉर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वन बाय वन. And first of all, let us discuss the values of the T ratios for an angle 45 degree. यानी अगर हमारा base angle 45 degree है, तो various T ratios की values क्या-क्या हो सकती हैं? So let us start discussing these one by one. Here we can observe कि एक right angle triangle हमें given है. In this right angle triangle, the base angle is given to be 45 degree. We can see it clearly that angle B that is given to be 90 degree, because of which हमें given है that angle A is 45 degree. Definitely A angle आपके पास है, angle B आपके पास है, और आपको ये भी पता है that the sum of all the three angles is 180 degree. That's why easily हमारे viewers calculate कर पाएंगे that angle C equals to 45 degree. Now they have angle A and angle C, both are equal. If these angles are equal, then definitely the side AB and BC will be equal. क्योंकि हमारे viewers जानते हैं from their class 9 that the sides opposite to equal angles will also be equal in an isosceles triangle. Okay? So हमने क्या सपोज कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों ही जो साइड्स हैं इनकी लेंथ है ए यूनिट्स. ऑलराइट, अभी आपके पास बेस है ए, आपके पास परपेंडिकुलर है ए, और हमने अभी डिस्कस किया दैट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है. हमारे व्यूअर्स इजीली लिख सकते हैं दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज ऑफ विच they have AC square equals A square plus A square, which is providing you double of A square. AC is the side or hypotenuse of a right angle triangle. Therefore, it cannot be negative. And हमारे viewers को easily पता चल जाता है यहाँ से that AC is equal to under root 2 multiplied by A units. So they have AC equals root 2 into A. Dear viewers, आपके पास base, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों चीजें हैं ड्यू टू विच आप सभी टी रेशियोज निकाल सकते हैं. लेट अस सी दीज टी रेशियोज वन बाय वन एंड व्हाट दीज आर. यू हैव साइन 45 डिग्री इक्वल्स एज वी नो इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ड्यू टू विच यू कैन सी दिस इज 45 डिग्री. सो द साइड अपोजिट टू दिस विल बी द परपेंडिकुलर. आप बेस एंगल 45 डिग्री यानी एंगल सी को भी एज्यूम कर सकते थे. इवन देन द परपेंडिकुलर इज ए, बिकॉज बेस एंड परपेंडिकुलर आर सेम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यू हैव ए डिवाइडेड बाय रूट टू ए, ड्यू टू विच आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1 डिवाइडेड बाय रूट 2. ठीक इसी तरह से हम एक और टी रेशियो कैलकुलेट करते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री. नाउ आवर व्यूअर्स नो दैट टेंजेंट 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. इन दिस क्वेश्चन परपेंडिकुलर इज ए, बेस इज ए, हाइपोटेन्यूस इज रूट 2 ए, due to which the value of tangent theta becomes 1.
ठीक इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉसिकेंट सिकेंट कोट और नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू है दैट इज कोस एंड यू हैव टू शेयर दीज ऑल वैल्यूज विद अस। नाउ द नेक्स्ट मैम, यहाँ पर मैं एंगल आपको बता दूं कि वी हैव लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स मैम। जी रेणु जी थैंक यू। और यहाँ पर हम नेक्स्ट जो वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं ऑफ आर टी रेशियोज दीज आर फॉर द एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए जब आप बात करेंगे सो डेफिनेटली द बेस एंगल इज 60 दिस टाइम। डियर व्यूअर्स आपके पास अब आपको एक ऐसी ट्राइंगल दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज टी रेशियोज एट दीज पर्टिकुलर एंगल्स। सो यू हैव एंगल बी इज इक्वल टू 60, आपके पास एंगल सी 60 है, डेफिनेटली एंगल ए बी कितना होगा 60। यानी पर्टिकुलरली हमारे व्यूअर्स इजीली बोल सकते हैं दैट दिस ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इन दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हाट वी हैव डन, क्योंकि हमें वैल्यू बतानी है टेंजेंट 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की, और हमें पता है कोई भी टी रेशियो निकालने के लिए जो रिलेशनशिप है वो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रहता है। तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल हेल्प नहीं करेगी, आपको हेल्प करेगी राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर दैट वी आर टेकिंग ए डी विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो लेट मी हाईलाइट दिस ए डी, दिस इज ए डी। आपने जैसे ही ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमें पता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स विच हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए हियर डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी बी डी इक्वल्स टू डी सी। अगर हमने हर साइड को एज्यूम किया था ए, तो बी सी डिवाइड हो गई है टू पार्ट्स में एंड दीज टू पार्ट्स आर इक्वल्स टू ए अपॉन टू एंड ए अपॉन टू। अब हमारे व्यूअर्स बहुत ही इजीली व्यू कर सकते हैं दैट ए बी डी इज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल आर व्यूअर्स हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन राइट दैट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर विच इज प्रोवाइडिंग यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, ड्यू टू विच ऑन द सॉल्यूशन हमारे पास वैल्यू ऑफ ए डी आ जाती है √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सो व्यूअर्स आपके पास अभी इन द ट्राइंगल ए बी डी बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो बहुत ही इजीली आप बता पा रहे हैं यहाँ से दैट द वैल्यू ऑफ एनी टी रेशियो, लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस 60 दिस टाइम विच इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 60 डिग्री, सो द बेस इज एडजेसेंट टू दिस विच इज ए अपॉन टू एंड योर हाइपोटेन्यूज इज डेफिनेटली ए। सो ऑन द कैलकुलेशन यू आर एबल टू गेट दैट द वैल्यू ऑफ कोस 60 इज 1/2। सिमिलरली आप बाकी के सभी टी रेशियोज निकाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं टेंजेंट 30 डिग्री के लिए। फॉर दिस आपको बिल्कुल सेम ट्राइंगल लेनी है ए बी सी विच इज इक्विलेटरल, आपको ए डी ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एज यू हैव ड्रॉन इन द प्रीवियस पार्ट। सो यू आर एबल टू गेट दिस बी डी इक्वल्स टू ए अपॉन टू, ए बी इक्वल्स ए एंड ए डी विल बी कैलकुलेटेड एज √3 इंटू ए अपॉन टू। बट दिस टाइम बी अवेयर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है सभी टी रेशियोज की फोर्स 30 डिग्री। सो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डियर व्यूअर्स आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी सेम ट्राइंगल को, इफ दिस इज 60 दिस इज 90 सो दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। राइट इस टाइम द बेस विल बी ए बी एंड द परपेंडिकुलर विल बी ए अपॉन टू। सो व्यूअर्स ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज इज प्रोवाइडिंग यू 1/2। सिमिलरली दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, कॉस 30 विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो योर बेस इज डेफिनेटली ए डी क्योंकि बेस इज एडजेसेंट टू द बेस एंगल। यू हैव √3 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय ए होल डिवाइडेड बाई दी हाइपोटेन्यूज विच इज बिकमिंग हियर 1/a इफ यू टेक दैट इन मल्टीप्लीकेशन एंड द वैल्यू इज √3/2। सो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स इस टेबल को जरूर फिल करें और हम सेम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट सेशन। जी श्योर मैम, जी
थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने इतने कम समय में इतनी सारी बातें हमारे सभी व्यूवर्स तक शेयर की। आई एम क्वाइट श्योर जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें काफ़ी बातें आप और शेयर करेंगी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज वी हैव टू रैप अप दिस सेशन। लेकिन जाने से पहले सविता मैम, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन जरूर शेयर करें, हमसे डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को मिलेगा। डेफिनेटली, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई, तो आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के तमाम माध्यम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रोल के रूप में नजर आ रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आप सभी से ले लूं अनुमति, आपको बता दूं कि आगे आप कौन कौन से सेशंस हमारे साथ देखने वाले हैं या देख सकते हैं। अब से कुछ ही पलों में हम एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। 3 बजे का समय रहेगा, टॉपिक रहेगा विंड। तो विंड पर आपको क्या जानकारी दी जाएगी या आपको पता चलेगा हमारे सेशन के दौरान। उसके बाद 3:30 बजे का समय है हमारे अगले सेशन का जो कि साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, टॉपिक रहने वाला है टिशू। 4 बजे का समय हमारे वेबिनार का जिसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, आज उसका आखिरी दिन है, आप उसका ज़रूर हिस्सा बने और सारी डिटेल्स लें और क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। 5 बजे हम लेकर आएंगे अपना स्पेशल प्रोग्राम सहयोग जिसमें हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पे बात करते हैं। और इसके बाद 5:30 बजे हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आएंगे नीपा का जिसमें आपसे बात कराई जाएगी एक स्कूल हेड की। तो ये तमाम आप सत्र हमारे साथ इंजॉय कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ पीएम ई विद्या पर। नमस्कार।